हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि यूपीएससी में प्रीलिम्स के लिए हम हिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर करें। आप जानते हैं कि अब धीरे धीरे यूपीएससी में कुछ हिस्ट्री से जुड़े हुए फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि यूपीएससी में जो है हिस्ट्री से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत टाइप के आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिनमें आपकी फैक्ट पर बहुत ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए। हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, अदर सब्जेक्ट में जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, साइंस टेक हो गया, एनवायरमेंट हो गया, वहाँ पर आपकी कॉन्सेप्ट पर भी पकड़ होनी चाहिए, लेकिन हिस्ट्री में अधिकांश आपको फैक्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे। यदि मैं एक दो पैटर्न की बात करूँ तो आपने नोटिस किया होगा, एक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ऊपर एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है, नीचे उसका एक रीजन दे दिया जाता है, फिर पूछा जाता है कि स्टेटमेंट सही है और जो रीजन दिया गया है वो उसका सही स्पष्टीकरण है। इस प्रकार से चार ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे कि इधर कुछ बात कही गई हो, आप जानते हो वर्ल्ड में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर जो है हमारे 1857 की क्रांति के जो फ्रीडम फाइटर थे उनके नेम और इधर उनकी लोकेशन दे दी, और फिर कहते हैं कि भाई बताओ इनमें से कौन से सही सुमेलित हैं। इस तरह के क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, लेकिन हिस्ट्री में इस तरह के क्वेश्चन ना फैक्चुअल होते हैं, फैक्ट आधारित होते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी के पेपर की एनालिसिस करोगे ना तो 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सोल्व होते हैं, यानी कि आंसर आपको डायरेक्ट फैक्ट से मिल जाएगा, लेकिन 50 बाकी जो 50% क्वेश्चन होते हैं ना उनको आपको सोल्व करना पड़ता है। आपको उस क्वेश्चन के बारे में फैक्ट पता है, लेकिन आपको उस फैक्ट को कैसे यूज करना है, उस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है और उसका आंसर निकालना है, ये आपको वहां पर एग्जाम हॉल में कंफर्म करना होता है। तो चलिए अब हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। मैं आपको मेंस के लिए भी बता दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं प्रीलिम्स के लिए बता रहा हूं। तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन एनसीईआरटी से आपके पास लैंग्वेज आ जाएगी मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए आपको फैक्ट पर पकड़ करनी होगी। जिसके लिए मैं यही कहूंगा कि आप कोई एक ऐसी बुक लें जैसे कि जो है ये ले लीजिए, 6th to 12th एनसीईआरटी सार बाय महेश कुमार बर्णवाल सर। आप जानते हैं कि वो भी एक आईपीएस ऑफिसर हैं, ठीक है। अब मैं इस बुक को अंदर से दिखाता हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैं ये बुक रिकमेंडेड करने से पहले मैं बता दूँ 2 साल से ये बुक मैं पढ़ रहा हूँ, इसके बाद ही आपको इसका सजेशन दे रहा हूँ। अब लग रहा होगा काफ़ी नई नई है, लेकिन नहीं, ये बाहर से ऐसी लग रही है, अंदर से मैंने भी इस बुक में बहुत सारे टॉपिक्स नोट किए हैं जो आपको पता चलेगा जब आप इस बुक को खुद पढ़ोगे। तो मैं आपको बता दूँ, इस बुक में ना आपको बहुत सारे जैसे कि अच्छी जानकारी हो गई, फैक्ट हो गई, कॉन्सेप्ट हो गई, कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे, ऐसा नहीं सिर्फ फैक्ट ही फैक्ट घुसा दिए जाएंगे, नहीं, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे इस बुक में जब आप इस बुक को पढ़ोगे। मैं अभी आपको सारे दिखाता हूँ, यहाँ पर क्या क्या कवर होगा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले ना आपको हिस्ट्री का एक परिचय दे दिया जाएगा जो संपूर्ण हिस्ट्री के बारे में आपको सारी डिटेल बता देगा। उसके बाद में ना आपको एंशियंट हिस्ट्री देगा, मिडाइवल हिस्ट्री, और फिर उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद में वर्ल्ड हिस्ट्री भी। इसमें मैं अभी आपको एक एक करके दिखाऊंगा किस तरीके से इस बुक को यूज़ करना है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इस बुक को एक बार दो बार अच्छे से पढ़िए, इसके शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि ये बुक खुद शॉर्ट नोट्स में ही है। ऐसा नहीं होगा आप खुद लग जाओ और शॉर्ट नोट्स बनाने लगो, नहीं, ये बुक खुद शॉर्ट नोट्स में ही है। हाँ, आप कुछ की पॉइंट्स जो नोट्स स्टिक होती है उन्हें लगाकर की पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हो। मेरे पास नोट्स स्टिक मिली नहीं थी, तो मैंने अपनी बुक में जो है जैसे कि पेज है तो पेज नंबर लगाकर उन्हें हाईलाइट कर लिया था। अब क्या करना है मैं बताता हूँ आपको ना, यूपीएससी के पीवाईक्यू प्लस को कोचिंग टेस्ट सीरीज लेनी है, जो टेस्ट सीरीज टॉपिक से जुड़ी हुई, ऐसा नहीं कोई भी उठा के शुरू हो गई, नहीं, टॉपिक से जुड़ी हुई टेस्ट सीरीज, और उनको सोल्व करना है इस बुक को पढ़ने के बाद। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ मैं, आप ध्यान दीजिएगा, पीवाईक्यू सोल्व हो या ना हो ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं रखती है, जो नए क्वेश्चन बन रहे हैं, जो न्यू पैटर्न पर बन रहे हैं वो हमसे सोल्व होने चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। हम पीवाईक्यू तो सोल्व कर लेते हैं, लेकिन न्यू पैटर्न पर जो क्वेश्चन बने हुए हैं वहाँ पर हम अटक जाते हैं और हमारा प्रीलिम्स रुक जाता है, क्योंकि ये कोई नहीं जानता है कि यूपीएससी में जब 2024 में हम एग्जाम देने जाएंगे तो कैसा पैटर्न होगा पेपर का। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप हर पैटर्न से खुद ही जुड़े हुए रहें, और सबसे बड़ी चीज़ होती है आप खुद कुछ क्वेश्चन फॉर्मेट कीजिए ना, आपने ये पेज पढ़ा, इसको पढ़ने के बाद आप देखिए ना इस पेज से कैसे कैसे क्वेश्चन फॉर्मेट बन सकते हैं, उनको बनाइए और सोल्व करने का प्रयास कीजिए। आपको मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन में, इस बुक में ना ज्यादा पेज नहीं है, तकरीबन देखिए मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड हिस्ट्री प्रीलिम्स में नहीं पूछी जाती है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपको नहीं पढ़नी है प्रीलिम्स के लिए। मैंने अभी इसमें से वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, बाकी मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को और जो बाकी इंडियन हिस्ट्री है ना उसको कंप्लीट कर लिया है 2 से 3 बार, क्यों ना, दो ईयर हो गए मेरे को ये बुक पढ़ते हुए, और उसी के बाद मैं ये रिव्यू दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले, क्योंकि देखिए ऑनलाइन का ज़माना है, यहाँ पर बहुत सारी मिसगाइडेंस होती है। और यूपीएससी में तो कहा जाता है कि अगर आप मुखर्जी नगर में जाके किसी चाय वाले से भी पूछोगे ना तो वो भी आपको एक बुक सजेस्ट कर देंगे, और इसी वजह से हम इस बुक के मायाजाल में फंस कर रह जाते हैं, और हमें बहुत सारी, मैं यही कहूँगा कि आप एक रिसोर्सेज रखिए और उस रिसोर्सेज का मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, फुल टाइम मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, आपको
आप खुद देखेंगे कि आपके फिर क्वेश्चन सोल्व होने लगेंगे। तो ये प्रीलिम्स के लिए है, बाकी मेंस के लिए मैं आपको, अगर आपको चाहिए मेंस के लिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं मेंस के लिए भी वीडियो बना दूंगा।